महाराष्ट्र जी के चरण कमलों में हम सभी भाइयों का एवं कृष्णराज गोस्वामी का साक्षात दंडवत प्रणाम स्वीकार। प्रभु सत्संग के बीच में एक भाई प्रश्न कर रहे हैं कि कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले श्री गणेश जी को तथा कीर्त को नमन किया जाता है, इसका क्या लक्ष्य है? कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले गुरुदेव को, श्री गणेश जी को तथा अपने अपने इष्ट को नमन किया जाता है, इसका क्या लक्ष्य है? गणेश जी ये ज्ञान शक्ति और प्राश ज्ञान शक्ति है शिव और प्राण शक्ति है उमा उमा सहायम परमेश्वर विभुम परमेश्वर की सहायक है उमा उमा की सहायता से परमेश्वर सब काम करते हैं। तो प्रज्ञा शक्ति और प्राण शक्ति माने ज्ञान और बल गौरी शंकर इनके सम्मिलित पुत्र है गणेश जी। इसका अर्थ है कि कोई भी काम आपको करना हो तो पहले उसके बारे में पूरा ध्यान होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए और उसको करने का सामर्थ्य भी होना चाहिए। ज्ञान और बल बुद्धि और प्राण प्रज्ञा और प्राण इन दोनों के सम्मिलित होने पर ही कोई कार्य संपन्न हो सकता है। और ये दोनों बात कब हो सकती है? जब कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों का अपना संयम हो ठीक ठीक। तो कर्मेंद्रिय कान पांच है और ज्ञानेंद्रिय कान पांच है और अंतकरण का भी एक कण है, चार है उसमें पांच है, एक दो तीन चार पांच सभी संख्या मिलते हैं। तो इन सब गणों का जो स्वामी है वो गणेश है। माने ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों का जो मालिक है जो स्वामी है उसको गणेश कहते हैं। हमें कोई भी कर्म करने के लिए अपने कर्मेंद्रियों को और ज्ञानेन्द्रियों को संतुलित संयमित रखना चाहिए, संयत रखना चाहिए। तो ये जो श्री गणेश हैं इनका स्मरण प्रत्येक कार्य के आरंभ में आवश्यक है। ये तो हुई एक बात आध्यात्मिक। हमारे ऋषियों का एक अनुसंधान है और वो अपूर्व है, वो दूसरे किसी मजहब में नहीं है। और ये है, ये जो जड़ जगत हम देखते हैं अधिभूत और एक अधिकात्म जगत जो रहता है हमारे शरीर में, जैसे ये फूल है ये अधिभूत है जड़ और उसको दिखाने वाली जो आंख है वो अध्यात्म है। इसके बीच में एक अधिदैव शक्ति है जिसके अनुग्रह से ही हमारी आंख इस फूल को देख सकती है। वह अनुग्राहक है और ये भौतिक रूप से वो दिखाई नहीं पड़ती है, जैसे सूर्य मंडल चंद्र मंडल ये ठीक है कि हम रोशनी के बिना फूल को नहीं देख सकते,
आँख अध्यात्म है, रोशनी अनुग्राहक है, प्रकाश अनुग्राहक है, सूर्य अनुग्राहक है, फूल दृश्य। तो अध्यात्म है नेत्र, अभिभूत है फूल और अभिदैव है सूर्य। उस सूर्य में जो अभिदैविक शक्ति है उसके बारे में यदि हमारी जानकारी हो जाए तो हम इस जड़ जगत से ऊपर उठ जाते हैं। और जो ज्ञान इन इंद्रियों को बाहर नहीं होता है वो सब हो सकता है। जैसे भोगन ज्ञानम सूर्ये संजमा चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम। सूर्य में यदि आप संजम करेंगे और देखेंगे कि जो सत्ता हमारे अंतकरण को जीवन दान कर रही है और जो चेतनता हमारे अंतकरण को चेतनता दान कर रही है वो सर्व को चित जैसा हमारे अंतकरण में है वैसे सूर्य में भी है। वहां भी सत्ता वही है जो हमारी और वहां भी चित्ता वही है जो हमारे, क्योंकि आकार के बिना सत्ता में भेद नहीं होता है और वृत्ति के बिना चित्ता में भेद नहीं होता है। तो जैसे हम साकार और सवृत्तिक हैं और चेतन के द्वारा काम चेतन के द्वारा प्रकाशित होती हैं वृत्तियां भी और आकार भी, वैसे सूर्य में भी जो सूर्य मंडल रूप आकार है और उसमें जो प्रकाश है उसमें भी वही सत्ता है और वही चेतन है जो हमारे शरीर के भीतर है। तो ये जो अधिदैव जगत का वर्णन विशेष करके हमारे वेदों में ऋग्वेद से लेकर के सभी चारों में और ब्राह्मणों में आरण्यकों में और पुराणों में एक अभिदैव शक्ति का जो वर्णन आता है वो बड़ा विलक्षण है। वो हमको जड़ जगत से उठा करके न शुद्ध चेतन और न शुद्ध जड़ ओ नमो नारायण। शुद्ध जड़ में तो हम यांत्रिक रूप से फंसे हुए हैं और शुद्ध चेतन का जिज्ञासु लोग अनुसंधान करते हैं, परंतु ये दोनों के बीच में जो हमारे मन और इंद्रियों को अनुग्रह देने वाली शक्तियां हैं वो हम वेद के द्वारा जान सकते हैं, वो लेबोरेटरी में उनको नहीं जाना जा सकता, प्रयोगशाला में नहीं जाना जा सकता। वही हमको भौतिक आकर्षण से उठाते हैं और आध्यात्मिक रोग से भी बचाते हैं और शक्तियों का उन गणों का सबके सब कर्मेंद्रियों का और सब ज्ञानेंद्रियों का जो स्वामी है उसको गणेश कहते हैं। और उस गणेश वंदना या नमन हमारे कर्मेंद्रियों को और ज्ञानेंद्रियों को परम शक्ति प्रदान करने वाला है और साथ ही इस जगत से विलक्षण एक उमा शिव उमा क्रिया शक्ति और शिव ज्ञान शक्ति इन दोनों के सम्मिलन से अधिदैव शक्ति उत्पन्न हुई है, इसलिए उसकी वंदना सर्वोपरि है सर्वप्रथम। और अब उसके बाद गुरु जो है वो ज्ञान कहा जाता है, प्रथम रूप से
सम्मिलित रूप से गणेश की वंदना और ज्ञान जो है वो ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों से विलक्षण चेतन है, उस ज्ञान का दाता जो गुरु है उसकी वंदना। अब उसके बाद पहली वंदना है गणेश की, दूसरी है गुरु की और तीसरी वंदना है इष्ट देव की। इष्ट माने जो हम चाहते हैं, तो हमारी चाह के साथ इष्ट देव का संबंध होता है। तो वो चाह लौकिक भी हो सकती है, भूत भैरव की आराधना भी हो सकती है, वो भी इष्ट हो सकता है। लौकिक जगत में विलक्षण है, भूत भैरव पर जो विश्वास है वो भी इस जड़ संसार से एक विलक्षण शक्ति का बोधक है। उसके बाद पितर है, उसके बाद देवता है और इन सब की भावना के मूल में जीव है। विषय करण सूर जीव समेता सकल एक तें एक सचेता सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। तो भूत भैरव माने तुलसी और पीपल में भी अधिदैव है और गाय और हाथी में भी अधिदैव है। प्रत्येक एक घर में भी एक मकान में भी वास्तु देवता अधिदैव है, उसकी पूजा होती है। तो प्रत्येक जड़ से ऊपर एक अधिदैव होता है। अब यदि सकाम उपासना करनी है तो छोटी संसार की कामना है तो छोटे देवता का स्मरण होता है, और यदि कामनाओं से मुक्त होने की वासना है तो संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति और निवृत्ति दोनों जिसके हाथ में है वो इष्ट देव होता है। जैसे श्री कृष्ण से चाहे तो आप सुंदर बांसुरी मधुर मधुर सुरीली बांसुरी सुन सकते हैं, उनके मृदु स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं, उनका सुंदर रूप देख सकते हैं, उनके चरणामृत अधरामृत को चख सकते हैं और उनके अंग की दिव्य गंध सुन सकते हैं। जो जड़ जगत में एक एक इंद्रियों के विषय अलग अलग हैं, वो और श्री कृष्ण में इकट्ठे ही मिल जाएंगे, इसलिए अलग अलग भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। परंतु श्री कृष्ण में जो ब्रह्म बुद्धि है, उस ब्रह्म बुद्धि में केवल कामनाओं को पूर्ण करने का ही सामर्थ्य नहीं है, निवृत्त करने का भी सामर्थ्य है। पितरों की उपासना वंश वृद्धि कर सकते हैं, परंतु वंश की जो इच्छा है उसको निवृत्त नहीं कर सकते। भूत भैरव की आराधना आपकी किसी इच्छा को पूरी कर सकती है, परंतु उसको निवृत्त नहीं कर सकते हैं। परंतु जहां आप इष्ट को जीव से परे जो प्रकाशक है परमेश्वर शंकर परम प्रकाशक जोई, इस चौपाई में ध्यान देने जो कि ये है कि शब्द स्पर्शादि विषय है बाहर और इंद्रियां है अपने शरीर में, विषय करण और सुर है देवता है सबके अनुग्राहक व्यापक, परंतु जहां तक संसार है वहीं तक है। और जीव है सबका नियंता, उसमें संसार में फंसने की भी शक्ति है और संसार से मुक्त होने की भी शक्ति है। परंतु परम प्रकाशक जो परमेश्वर है परमात्मा है वो सर्वथा संसार से संसार संबंध से मुक्त ही है। अब आप देख लो
कि श्री गणेश की वंदना और सदगुरु की ज्ञानदाता गुरु की वंदना और अपने इष्ट देव की वंदना, इष्ट देव में अपनी इच्छा, इष्ट माने जिसको हम चाहते हैं उसको देने का भी सामर्थ्य है और उससे छुड़ाने का भी सामर्थ्य है, और जीव जो है वो छोड़ने में भी समर्थ है और पाने में भी समर्थ है, परंतु जो परम प्रकाशक परमात्मा है जब जीव अपनी वासनाओं को छोड़ देगा तो उस परम प्रकाशक में और जीव में कोई अंतर नहीं रहेगा, वही उसका सबसे बढ़िया सच्चा स्वरूप है। इसलिए मैंने आपके प्रश्न में शायद ये तीन अंश है, गणेश की वंदना, गुरु की वंदना और इष्ट की वंदना। अब इष्ट से आप क्या चाहते हैं, प्रहलाद ने तो कहा कि महाराज हम आपसे ये चाहते हैं कि हमारे मन में कोई इच्छा ही न हो, कामानाम यद समरोहम देवतस्तुरणे वरम। अब ये बात आप किसी भूत भैरव से मांगते या पितरों से मांगते या इंद्रादि देवताओं से मांगते या आप नारायण सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु से मांगते तो ये वासनाओं से मुक्ति वाली जो आपकी अभिलाषा है वो सिवाय परमेश्वर के और कोई पूर्ण नहीं कर सकता। तो आप देख लीजिए आपका इष्ट कौन है और उससे आप क्या चाहते हैं, उसकी वंदना कीजिए। तो देवताओं को अजर अमर कहा गया है तो क्या लड़के लोग के जीव देवताओं की कोटि में पहुंच सकते हैं क्या? ऐसा है कि देवता लोग अजर अमर तो जरूर होते हैं परंतु उनकी एक आयु तक ही भी अजर अमर होते हैं। जैसे एक मनमंत्र का एक इंद्र मनमंत्र था माने 71 चतुर्युगी पर्यंत अजर अमर है जीव के रूप में, और पद के रूप में वो अनादि काल से लेकर के प्रवाह रूप से जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक एक इंद्र पद बना रहेगा, और उस पद पर जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बदलते हैं वैसे बदल बदल के जीव जो हैं वो आते रहते हैं। इंद्र माने होता है कर्म का देवता, हाथ का हमारे कर्म करने की जो इंद्रिय है हाथ, इसकी अधिष्ठात्री देवता का नाम है इंद्र, और कर्म से ही ये सृष्टि प्रवाह चलता है। यदि कर्म न हो तो ये संसार में जो नित्य परिवर्तन होते रहते हैं और इसके आदि का भी पता नहीं चलता है और अंत का भी पता नहीं चलता है, तो अब ये इंद्र पद तो अजर अमर है अनादि काल से लेकर के जब तक ये सृष्टि प्रवाह रूप से चलती रहती है तब तक, और इंद्र नाम का जो जीव होता है वो एक मनमंत्र के लिए इंद्र होता है, बाद में उसका इंद्र पद छिन जाता है। यदि वो ज्ञानी हुआ, कभी कभी इंद्र ज्ञानी भी होता है, जो इंद्र और दुर्योधन दोनों गए थे प्रजापति के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वो इंद्र तत्वज्ञ है, तो इंद्र पद का समय पूरा हो जाने के बाद वो मुक्त हो जाता है, और ऐसा जो इंद्र है जिसको ज्ञान नहीं है, जो अहल्या जा रहा, जो अहल्या के लिए जा रहा, तो वो ये वेदों में ये मंत्र है, वो अहल्या जा रहा, तो नारायण वो इंद्र जो है वो मुक्त नहीं होता, वो फिर जीव बनेगा और अपने कर्म के अनुसार गति प्राप्त करेगा। तो वो मनुष्य भी हो सकता है
और मनुष्य के बाद मुक्त भी हो सकता है, और मनुष्य होकर बुरा काम करेगा तो वो पशु पक्षी कीट पतंग आदि भी हो सकता है। तो आप इंद्र को या तो पद के रूप में अजर अमर कह सकते हैं, और या तो वो जीवात्मा के रूप में अजर अमर कह सकते हैं, लेकिन वही सब मनमंत्रों में और सब कल्पों में इंद्र बना रहे ये आवश्यक नहीं है। अब इनके भी कई देवताओं के कई भेद होते हैं, जैसे सूर्य देवता है और इंद्र देवता है, इन दोनों में फर्क है। इंद्र कर्मज देवता है, सौ जन्म किया तो इंद्र हो गया, और सूर्य आजान देवता है, अर्थात पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश इनके रस से सूर्य का निर्माण हुआ है। तो ये प्रत्येक कल्प में होता है, और नारायण सूर्य अविच्छिन्न जो चैतन्य है वो हमारे अंतःकरण अविच्छिन्न चैतन्य से एक ही होता है। जो सा वसौ आदित्य पुरुषः सो अहमस्मि, जो आदित्य में जो चैतन्य है वही मैं हूँ, माने मुझ चैतन्य में और सूर्य चैतन्य में कोई अंतर नहीं है। और नारायण सूर्य को कर्म से नहीं बनना पड़ता, वो पंचभूत से स्वास्थ्य, जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश बनते हैं, इसी प्रकार सूर्य देवता भी प्रकृति में बनता है, उसको आजान देवता कहते हैं, और इंद्रादि देवता को कर्म देवता कहते हैं, वो स्वतंत्र होकर के बनता है। तो एक बहन पूछ रही है, जैसे सूर्य देवता को आपको इनमें से कौन सा होना है? आप भरत होना चाहते हैं या लक्ष्मण होना चाहते हैं? तीसरा नाम हनुमान। आपके मन में क्या होने की इच्छा है? यदि लक्ष्मण होने की इच्छा हो तो आप जानते हैं गुरु पे कुमार बना जानो का हो कहो सुभाव नाथ पतियाओ। तो सेवा प्रधान प्रेम सेवा प्रधान जीवन लक्ष्मण जी का है, और उनकी सेवा से तो भगवान रामचंद्र इतने प्रभावित हैं, सीता जी तो 10 महीने अलग रही और भगवान ने प्राण धारण किया, परंतु लक्ष्मण जी का वियोग दो घड़ी भी रामचंद्र नहीं सह सके और उनके पीछे अंतर्धान हो गए। रामचंद्र सेवा प्रधान प्रेम, और भरत जी का जो है वो धर्म प्रधान आज्ञा प्रधान प्रेम है। प्रेम प्रेम में कोई कम ज्यादा नहीं है, जैसा प्रेम लक्ष्मण का वैसे ही प्रेम भरत का। भरत रामचंद्र का स्मरण करके सब काम करते हैं, और रामचंद्र भरत का स्मरण करके सब काम करते हैं। हृदय में दोनों एक संयोग प्रेमी लक्ष्मण है तो वो वियोग प्रेमी भरत है, परंतु प्रेम में विप्रलंब और संभोग का कोई अंतर नहीं होता। लक्ष्मण श्रृंगार के संभोग रस या सेवा के संभोग रस में, और भरत जो है वो वियोग के विप्रलंब रस में मग्न रहते हैं, और दोनों में रस की न्यूनता कभी नहीं होती है। और हनुमान जी का जो प्रेम है वो बाहर देखे
तो दास की है भाव प्रधान प्रेम है। प्रेम में तो कोई अंतर नहीं होता, प्रेम तो एक ही होता है, परंतु दास की है प्रधान, दास भाव प्रधान हनुमान जी का प्रेम है। उनको जहाँ रख दे वहाँ रहने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि जब भगवान रामचंद्र परम धाम गमन करने लगे तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हनुमान तुम भी चलोगे? बोले नाम राज मैं नहीं चलूंगा, मैं तो यही रहूंगा। तो यहाँ क्या करेंगे काम? यदि सब भक्त आपके साथ ही चले जाए तो मर्त लोग में भक्ति का आनंद लेने वाला कौन रहेगा? तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र समस्त कांजले, जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ हाथ जोड़ करके सिर झुका करके हनुमान जी उसका श्रवण करते रहते हैं। उन्होंने स्वयं कहा कि जावत तव कथा जोके विचरिष्यति पावनी तावत स्थास्यामि मेदिन्याम तवाज्ञाम अनुपालयन, जब तक आपकी कथा मर्त्य लोक में रहेगी तब तक मैं मर्त्य लोक में रहूंगा। ये भी एक सेवा है। अयोध्या में रह के भरत की सेवा है, साथ रह के लक्ष्मण की सेवा है, और भगवान रामचंद्र के मर्त्य लोक में रहने पर भी और न रहने पर भी मर्त्य लोक में रह करके भगवान की सेवा, ये हनुमान जी की सेवा है। और वो तो सेवक स्वामी सखा देवी के रामचंद्र को अगर इसमें सुख हो कि वो हनुमान जी की पूजा करें तो शिवलिंग बन के बैठ जाते हैं और राम की पूजा भी ले लेते हैं। और नारायण वो कहें कि आओ हनुमान साथ साथ चले, और तो साथ साथ चलने को भी तैयार। श्री जानकी जी लंका में है, अशोक वन में, वहां भेजने योग्य पात्र कोई है तो हनुमान। ये उनकी ही विशेषता है, प्रेम से प्रेम की बात है। प्रेम दूर रहने से काम नहीं होता है और बढ़ता भी नहीं, और प्रेम पास रहने से घटता नहीं है और बढ़ता भी नहीं है। दूरी या निकटता की उपाधि है, ये प्रेम को घटाती बढ़ाती नहीं है, प्रेम एक रस रहता है। तो आप प्रेम का देरी मिलने में देरी हो जाए या तुरंत मिल जाए, इससे भी प्रेम करता बढ़ता नहीं है। यहाँ तक कि शरीर दूसरा होने पर भी प्रेम की एक रसता में कोई अंतर नहीं आता है। प्रेम साक्षात भगवान का स्वरूप है, प्रेम साक्षात भगवान का स्वरूप है। वो दूर भी है, वो निकट भी है, वो देर भी है, वो सवेर भी है, वो अपना भी है और पराया भी है। ऐसा वर्णन आता है कभी अर्जुन और श्री कृष्ण का परस्पर युद्ध हुआ था, ईमानदारी के साथ, बेईमानी से नहीं, ईमानदारी के साथ दोनों दो पक्ष में हो करके वो लड़े थे। ऐसा भी वर्णन आता है कि हनुमान जी और श्री रामचंद्र का भी युद्ध हुआ था, और नारायण ईमानदारी के साथ। और ऐसे प्रसंगों में भगवान प्राय हार जाते हैं, अर्जुन विजयी होते हैं, हनुमान विजयी होते हैं, भरत विजयी होते हैं। हार जाने से जिसके बढ़ापा में फर्क पड़ता हो वो बहुत नीचे, उसकी स्थिति बहुत निम्न है। भगवान सबके नीचे रहकर सबको अपने सिर पर उठाते हैं, सबके ऊपर रहकर सबको संभालते हैं, सबके भीतर रहकर के उसको साथ चेत आनंद का अनुभव प्रदान करते हैं। किसी देश में रहने से, किसी काल के साथ
किसी परिस्थिति का किसी वस्तु का अंतर भगवान के प्रेम पर नहीं पड़ता है। इसलिए भरत लक्ष्मण और हनुमान के प्रेम में कोई अंतर नहीं है, उसके प्रकट होने की जो प्रक्रिया है, जो प्रकट होने की शैली है, शैली में अंतर है, प्रेम में अंतर नहीं है। अब रही बात ये कि आपको कौन सा पसंद आता है, यदि उसके अनुसार आप अपना जीवन बनावे तो वो प्रेम के बारे में आपकी जानकारी सफल हो जाएगी। और प्रभु एक भाई पूछ रहे हैं कि श्री कृष्ण ने विराट प्रभु के दर्शन कराए हैं माता यशोदा को, अर्जुन को, पर भोले नाथ ने किसको दर्शन कराए हैं? क्या भोले नाथ ने किसी को विराट प्रभु के दर्शन कराए हैं? ये भोलेनाथ का जो वास्तविक स्वरूप है वो विराट ही है। असल में श्री कृष्ण ने भी जो विराट रूप का दर्शन कराया वो भोलेनाथ का ही रूप था अर्जुन को, क्योंकि संहार और सृष्टि की, सर्जन और संहार की प्रक्रिया केवल विराट में ही चलती है। इसलिए ये विराट रूप जो है वो शिव का ही है। जब भगवान श्री कृष्ण को विराट रूप दिखाना होता है तब वो अपने उस सृष्टि स्थिति संहारमय जो रूप है उसी का दर्शन कराते हैं। इसलिए शंकर जी का विराट रूप अलग से नहीं है। यदि आपकी चक्षु, दिव्य चक्षु आपको प्राप्त हो जाए तो आप देखेंगे कि सर्व रूप में शिव ही है। अच्छा आप ये बताइए, जिसके गले में तो देवी की मंगमाला हो, कितने प्रलय हो चुके हैं, और जिनके शरीर में भस्म लगा हुआ हो, बारंबार विश्व भस्म होता है और उसकी रात उनके शरीर में लगी हुई हो, सांप जिनके शरीर में लिपटे हुए हो, अमृतवर्षी चंद्रमा जिनके सिर पर हो, और भगवान के चरणों तक नारायण गंगा, गंगा का प्रवाह जिनके सिर में हो, आप उनको विराट नहीं मानेंगे तो किनको मानेंगे? तोमर कस्तम सोमस्तमसी पवनस्तम उदवः अष्टभूत के अष्टमूर्ति के रूप में तुम ही सूर्य हो, तुम ही चंद्रमा हो, तुम ही पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश हो और तुम ही आत्मा हो। तो बोले ठीक है, जो आपके भक्त हैं वो ऐसे कहा करें कि ये सब भगवान शंकर निरात्मा तुम इति च। लोग देखो पहले बोल दिया, तो तुम्हारे भक्त लोग ऐसे कहा करें, परंतु नवविद्वंतम तत्वम् वयमिह यत्त्वं न भवति। जो तुम नहीं हो ऐसा कोई तत्व हम जानते नहीं है। कृष्णा परम किमपि तत्वम् अहम् न जाने, मधुसूदन सरस्वती बोलते हैं और पुष्प दत्त बोलते हैं, न विद्मस्त तत्वम् ये जो वेदांती लोग समझते हैं कि हम ब्रह्म हैं,
और ये जगत जड़ है, वो परमेश्वर के रूप को बिल्कुल नहीं जानते। ये जड़ चेतन का भेद ही अविद्या मूलक है। परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, वही विराट है। विराट माने विविधम राजते इति विराट, राजतृदेवतम, जो विविध रूप में प्रकाशित होता है उसका नाम विराट होता है। इसके साथ मैं एक बात और सुना, ये जो यशोदा मैया को भगवान ने रूप दिखाया वो बड़ी चालाकी का था। हाँ, उसमें तो फिर दो बार दिखाया, एक बार वो दूध पिलाने से मना करने पर दिखाया और एक बार माटी खाने पर दिखाया, दो बार दिखाया। दोनों में यशोदा मैया ये देख के कि इनके भीतर से एक ब्रज है और एक यशोदा है और वो कृष्ण से प्यार कर रही है, तो घबरा गई ये यशोदा सच्ची की मैं सच्ची राम राम कहीं मेरे बेटे को ये दूसरी यशोदा छीन न ले। तो यशोदा भैया आते ही बंद कर दिया, जाओ हम इसको देखेंगे ही नहीं। नील मृगत आवाक्षी नेत्र आशीष सुदिस्मिता और नारायण और अर्जुन को जो दिखाया उसमें भी बड़े चालाकी थे। भीष्म द्रोण शल्य कर्ण सबको भरा हुआ दिखा दिया लेकिन अभिमन्यु को भरा हुआ नहीं दिखाया। आप देख लो ग्यारह में अध्याय को पूरा, बड़ी माने पूरा विराट नहीं दिखाया हो, आधा विराट दिखाया। और धृतराष्ट्र को जो विराट दिखाया वो भी पूरा नहीं, वो तो अंधे को आंख दे दी देखने के लिए है, देख ले अंधा है ना। मैं तुझे जब चाहूं जब आंख भी दे सकता हूं और अपने को भी दिखा सकता हूं। उत्तन को भी एक बार उन्होंने विराट रूप का दर्शन दिया था और वो भी बहुत आधा, वो तो वो अत्यंत कम है। ये चार बार महाभारत में, दो बार भागवत में, दो बार यशोदा और महाभारत में एक बार अर्जुन, एक बार उत्तंत और एक बार धृतराष्ट्र, इनको उन्होंने विराट रूप का दर्शन कराया है और सब के सब अधूरे हैं, कोई भी पूरा नहीं है। और विराट का असली रूप तो भगवान शंकर है और जहाँ पत्नी की चोंच उन पे बाला है, और नारायण ब्रह्मा विष्णु महेश का भस्म है और सब नारायण संसार की सब चिंता हुआ है, कोई हानिदार नहीं नारायण। और गंगा जी और चंद्रमा अमृत है, चंद्रमा है और पवित्रता है गंगा है, और शक्ति जो है उसमें जन्म मरण आविर्भाव तिरुभाव होता रहता है और शंकर जी में आविर्भाव तिरुभाव नहीं होता है नारायण। और सर्व रूप संसार उनके गले में लगाए फिर भी क्या, और जैसे महाराज सन्यासी लोग है ना वो भस्म लगाते हैं, उनके यहाँ नाम रूपात्मक प्रपंच का भस्म है वो लगाते हैं शरीर में, और ये जो उपासक लोग हैं वो रंगीन चंदन लगाते हैं, वो संसार में एक रंग डाल के संसार को रंगीन बना करके वो अपने शरीर में लगाते हैं, वो तो भक्त होते हैं, उपासक होते हैं। और जो संसार को भस्म करके लगाते हैं वे अद्वैत ज्ञानी होते हैं। वो शाम प्रभु इसी के साथ ही आखिरी प्रश्न है कि शंकर जी को भोलेनाथ क्यों कहते हैं? भोलेनाथ क्यों कहते हैं? इतने उदार हैं, इतने उदार हैं कि जब उनके हृदय में कुछ देने का होता है तो ये नहीं देखते हैं कि मेरी पत्नी जाएगी कि मैं जाऊंगा। जानता नाम उसका भस्मासुर मृगासुर, मृगासुर नारायण, उसने तो शंकर जी के सिर पे हाथ रखना चाहा कि ये मर जाए और इनकी पत्नी हमको मिल जाए। तो भोले बाबा इतने भोले हैं
कि वह अच्छा बुरा देखते ही नहीं है, उनकी उदारता तो सबके ऊपर बंदों सुमिरों शिव चरण सरोज रे कल्याण अखिल प्रद काम है कर्पूर गौर करुणा अवतार संसार का बुधगेंद्र हार सुख जन्म भूमि महिमा अपार जाता विधि सुगर बिन दीन भार काका गति काशी उपकारी को पर हर सुना सुर असुर जरह कृत गरल पाठ प्रहन मैन वर्तन में वर सेवा शिव गर्व सरोज रे ऐसा बोला और कौन होगा महाराज आशुतोष बोले बाबा और हरदानी आशुतोष सबके ऊपर प्रसन्न